बिहार की सत्ता संभाल रही और एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड एक्शन मोड में है। पहले जेडीयू ने आरसीपी सिंह को साइड किया, अब आरसीपी सिंह के करीबियों पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को जेडीयू ने प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। जेडीयू का कहना है कि पार्टी का अनुशासन तोड़ने के कारण अजय आलोक समेत कई नेताओं पर गाज गिरी है। जेडीयू ने यह भी कहा है कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, प्रदेश महासचिव विपिन यादव, प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक को पार्टी के पद से मुक्त करते हुए उन्हें प्राथमिकी सदस्य भी निलंबित किया जाता है। साथ ही साथ जो भंग समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री जितेंद्र नीरज को भी पार्टी के प्राथमिकी सदस्य निलंबित किया जाता है। ऐसा निर्णय पार्टी की मजबूती के लिए और पार्टी में अनुशासन कायम रखने के लिए किया गया है। पार्टी में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं और जो पार्टी के जिन पद पर हैं सब लोग को दायित्व दिया गया है, जिम्मेवारी दी गई। कोई पार्टी के अनुशासन या कुछ भी इस तरह के कोई वक्तव्य देते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है उन लोगों पर। दरअसल अजय आलोक जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता में शामिल थे। वो विभिन्न मंचों पर विरोधियों पर तीखे हमले करने के साथ ही करारा जवाब भी देते थे। खास बात यह रही कि पार्टी के फैसले के बाद अजय आलोक ने ट्वीट किया और खास तौर पर सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह के चलते अजय आलोक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पहले आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, इसके बाद आरसीपी सिंह के करीबी अजय आलोक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि जेडीयू का दावा है कि अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।